राम राम साहब। साथियों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मदद, जिसमें न कोई बिंदी है न कोई मात्रा है। लिखने में ये जितना सरल है, वास्तविकता में इसके मायने बहुत कठिन है। आप लोगों ने देखा होगा, मदद हम लेते हैं, मदद देते हैं, और मदद की बहुत सारे लोग उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन दोस्त, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, उस कहानी से आपको मदद के मायने पता चल जाएगी। एक लड़का नई उम्र का, अरफन मौला, खुश मिजाज, रईस टाइप का, समय का कालचक्र इस तरीके का चलता है कि उसके परिवार पर संकट आ जाते हैं। जिसने कभी बहुत बड़ी ऊंचाई देखी हो, वो जमीन पर आ जाते हैं, और जमीन पर आने के बाद में उनके घर पर एक कार्यक्रम होता है, जिस कार्यक्रम में बहुत सारे रिश्तेदार और उसके घर परिवार वाले शामिल होते हैं। कार्यक्रम चलता रहता है, न जाने किस एक छोटी सी बात पर पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है और उस लड़के के भी चोट लग जाती है। झगड़ा उसके खास चाचा के लड़के की वजह से होता है, लेकिन क्योंकि वो तो रईस है, वो परिवार को अपना मानता है, अपने खून के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, वो झगड़ा कर लेता है। लेकिन दोस्तों, झगड़ा होने के बाद क्योंकि उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो ज्यादा व्यय नहीं कर सकता था, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता था, पुलिस आई, उसकी इलाज में खर्चा हुआ और पुलिस को भी कुछ पैसा देना पड़ा। वो लड़का अपने चाचा के घर जाता है और चाचा से कहता है कि चाचा, मैं ये शिकायत नहीं कर रहा कि तुम्हारे लड़के की वजह से झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा समय इस समय खराब है, आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। तो उसके चाचा ने पता है उसे क्या कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2000 की बात तो दूर, मैं तुम्हें 100 रुपये भी नहीं दूंगा। लड़के ने बहुत सारी मिन्नतें की, फरियाद की कि चाचा, जब मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगा, लेकिन आज मेरा समय खराब है, मुझे 2000 रुपये की सख्त जरूरत है। अनेकों मिन्नतें उसकी बेकार गईं, लेकिन उसके चाचा ने उसको 100 रुपये भी नहीं दी। लेकिन गुरु, ये समय है, आता सबका है, समय जरूर लेता है, लेकिन आता सबका है। समय का चक्र चलता रहा, वो लड़का मेहनत के दम पर अपनी परिस्थितियों को बदलने में कामयाब रहा। परिस्थितियां बदली, घर के हालात सुधरे, उस लड़के ने कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी और धीरे धीरे एक मुकाम को हासिल करने लगा। इसी दौरान चाचा के लड़के का झगड़ा अपने गांव में हो जाता है, लेकिन भाई चाचा का लड़का है और जिसके ब्लड में अपनों के लिए प्यार होता है, वो हजारों गलतियों को भी भूल करके अपनों के साथ खड़ा रहता है। वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे, हाय मेरे चाचा का लड़का है, ऐसा हुआ कैसे, उसके साथ पहुंच गया। जैसा कि आपको पता है कि झगड़ा हो जाए तो रिश्तेदार, नातेदार, बहुत सारे लोग आते हैं, यदि किसी के चोट लगे है तो हॉस्पिटल जाते हैं, अगर थाने की कार्यवाही है तो भाग दौड़ में शामिल होते हैं, और वो लड़का भी चाचा के लड़के के साथ भाग दौड़ में शामिल हो गया। चाचा उसी की गाड़ी में बैठा हुआ है, पूरे दिन उस लड़के के साथ हॉस्पिटल भाग, थाने भाग, यहां भाग, वहां भाग, और उसके चाचा के साथ जो चाचा को बड़ा रसूखदार समझते थे, वो चार रिश्तेदार भी उसकी गाड़ी में बैठे हुए हैं। लड़का पूरे दिन भाग दौड़ करता है, शाम होते होते जब वो चाचा को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है,
तो चाचा अपनी जेब से 1,000 का नोट निकाल करके लड़के को थमाते हुए कहता है कि अपनी गाड़ी में तेल डलवा लेना। वो चारों रिश्तेदार भी उस बड़े रसूख वाले चाचा की ओर टकटकी लगा करके देख रहे होते हैं और वो लड़का पैसे लेने से मना कर देता है। पता है क्यों? वो लड़का अपने चाचा से कहता है कि चाचा मेरी गाड़ी रोज चलती है, मैं गाड़ी में रोज तेल डलवाता हूं, आपसे तो पैसे नहीं लेता। तो चाचा बोले कोई बात नहीं, तू आज मेरे साथ घूमा है, तेल डलवा ही ले। वो लड़का अपने चाचा से कहता है कि चाचा इस समय मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं दौड़ रहा हूं, और आज मेरे पास पैसा है परिवार के लिए खर्च करने के लिए। चाचा यदि इस 1,000 रुपये में से 500 रुपये भी आपने मुझे मेरे उस बुरे वक्त में दिए होते तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता। आज तो मैं 1,000 रुपये खर्च कर सकता हूं, इन 1,000 रुपये की मुझे आज कोई जरूरत नहीं है। इन 1,000 रुपये की जिस समय मेरे साथ घटना हुई थी और मैं परेशान था उस समय बहुत जरूरत थी। यदि ये 1,000 रुपये आपने मुझे उस समय दिए होते तो मेरा बहुत बड़ा काम चला होता। वो चारों रिश्तेदार उस चाचा की मायूस शकल की तरफ देख रहे थे कि इतना रसूख और पैसे वाला होने के बाद भी इतनी बड़ी उम्र का चाचा एक छोटे से लड़के के सामने अपनी नजरें झुका करके बैठा हुआ था। तो मेरे दोस्त, मदद व्यक्ति की करो, लेकिन जब उसे मदद की आवश्यकता है तब उसकी मदद करो। यदि संपन्नता में आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो वो मदद नहीं गुलामी है मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि हमने एक सॉन्ग शूट किया था लाइसेंस करा दे पिस्टल का, जो फेसबुक पर तो ट्रेंडिंग कर रहा है आप लोगों के आशीर्वाद, प्रेम और सहयोग की वजह से। हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम की लाइब्रेरी में भी उस पर ट्रेंडिंग का निशान आ जाए, वो ट्रेंड करने लगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गाने लाइसेंस करा दे पिस्टल का यदि आपको इस नाम से सर्च करना है।